हाय एवरीवन, आज हम बनाएंगे मिनी समोसा। समोसे खाना तो सबको बहुत ही पसंद है, बनाना बहुत ही मुश्किल लगती है। तो चलिए आज हम आपको बहुत ही इजी तरीका से समोसा बनाना बताते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, अब इसमें हम 2 कप मैदा डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा कलौंजी डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 4 चम्मच तेल डाल देंगे। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। इसे हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। तो देखिए, अब पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच तेल डाल देंगे। तेल को हम गर्म होने देंगे। तो अब तेल गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसे हम थोड़ा चटकने देंगे। अब ये चटक चुका है। अब इसमें हम 1 बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। तो अब प्याज थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसे भी हम 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अब देखिए, 1/2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। मसाले को हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। 4 आलू जिसे मैंने उबाल लिया है और इसके छिलके को मैंने निकाल लिया है, फिर इसे मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें हम उबला हुआ 1/2 कप हरा मटर डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता डालेंगे। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब इसमें से हम थोड़ा सा आटा लेंगे, इसे हम हथेली की मदद से गोल कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डाल देंगे, फिर इसे हम बेल लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने बेल लिया है। अब इसे हम चाकू की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा स्टफिंग को डाल देंगे। अब इसके हम चारों ओर से पानी को इस तरह से लगा देंगे, फिर इसे हम समोसे के आकार का इस तरह से मोड़ लेंगे। इसी तरह हम सारे समोसे को बना लेंगे। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे और पैन को गर्म होने देंगे। तो अब पैन गर्म हो चुका है। अब इसमें हम तेल डाल देंगे। तो अब हम तेल को गर्म होने देंगे। तो देखिए, अब तेल गर्म हो चुका है। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें हम एक एक करके डालते जाएंगे, जितना आ सके। थोड़ी देर हो चुका है, अब इसे हम पलट लेंगे। इसे हम उलटते पलटते चारों ओर से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो देखिए, अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब मिनी समोसा बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी।